हेलो बच्चों, अब हम PA 3 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये आपके हिंदी ग्रामर की क्लास है और इसमें आज हम काल चैप्टर पढ़ेंगे। काल का मतलब क्या होता है कि समय, हम किस समय कौन से काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि क्या है। है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले या बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का पता चले या बोध हो, ज्ञान हो हमको, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर चुके होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम आने वाले समय में करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि काल के भेद या प्रकार। काल के 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये हमारे काल के भेद हैं, या हम इनको हम प्रकार कहेंगे कि इनको हम 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे, वो चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि जो काम कर चुके हैं, कि वो काम किया जा चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उससे हमें इसमें इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था, यानी कि हो चुका था, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब इन वाक्यों में क्या है, जैसे है आपका रवि कल चला गया था, ये इसके उदाहरण हैं कि रवि कल चला गया था, वो पुस्तक पढ़ेगी। और फिर क्या है, मैंने पत्र पढ़ा, यानी कि मैंने पत्र पढ़ा, हम ये कार्य कर चुके हैं, जिसमें था है, ई है, ए है, आ है, ये शब्द आए, तो उससे हमें ये पता चलता है वाक्य के अंत में जब ये शब्द आते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कार्य जो है वो हमारा हो चुका है। जिस समय में वो कार्य हो चुका होता है तो उसमें हम क्या, उसको हम समझते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब जैसे ही है, शेखर ने पत्र पढ़ा, यानी कि वो पत्र पढ़ चुका है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उनको ध्यान से समझो कि क्या है कि शेखर ने पत्र पढ़ा, यानी कि वो पत्र पढ़ा जा चुका है, तो यानी कि कल हो चुका, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया, तो यानी कि हम ये आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो ये सब क्या है, बीते हुए समय में कार्य हो रहा है, तो इसे हम भूतकाल कहते हैं। अब हम आते हैं अपने वर्तमान काल पे। वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, यानी कि जिस समय हमारा काम हो रहा है, इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि ये प्रेजेंट टाइम है, यानी वर्तमान काल है कि इस समय में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपका कार्य हो रहा है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि काम अभी जारी है, यानी कि काम हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, अध्यापिका आपको पढ़ा रही है, वर्षा हो रही है, यानी कि कार्य का होना निश्चित है और कार्य उस समय में हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। अब हम आते हैं भविष्यत काल पे। भविष्यत काल के मतलब उसे कहते हैं जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि आने वाले समय में कार्य
के होने का पता चलता है, यानी कि कार्य होने वाला होता है या कब तक होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, वो अनिश्चित है कि कब वो काम हमारा होगा। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे है कि विद्यार्थी कल परीक्षा देंगे, यानी कि तुम कब आओगे ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा होता है और इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें है काल, यानी कि समय के विषय में बताया गया है कि काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से रूप कौन कौन से होते हैं। तो काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इनकी क्या डिफिनेशन है उनको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा और उसको याद करिएगा। काल की डिफिनेशन क्या है? काल की डिफिनेशन है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो या पता चले उसे हम काल कहते हैं, और किस काल में कौन सा कार्य हो रहा है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा होता है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजेंगे। इसके केवल क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी पे करिएगा और जो एक्सरसाइज है उसको बुक में फिल करना है आपको, और उसी से आपको पढ़ना है।